उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई। ओडिशार भाषा स्वाभिमान गौरव नहीं प्रधानमंत्री का बड़ बयान, संकट रे ओडिशार अस्मिता, विपद रे उड़िया भाषा। मोदी कहिले बेसी दिन बर्दाश्त करिवेनी ओडिशार जनता। ओडिशा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। ओडिशार दुस्थिति नहीं पीएम को चिंता, राज्यर अवस्था खराब कर रखी बीजेडी सरकार। इते संबल अच्छी देशर सबुठ धनी राज्य हो पारिता ओडिशा। मे 13 हेबो ओडिशार प्रथम पर्याय निर्वाचन, चारि पर्याय निर्वाचन मध्य प्रथम पर्यायर हेबो शुभारंभ। आउ एहार बहु पूर्वरु खुद प्रधानमंत्री देइछंती युद्धंग देही डाकरा, ओडिशार भाषा साहित्य संस्कृति संकट रे बोली जातीय गणमाध्यम रे प्रधानमंत्री बड़ बयान। ओडिया लोक माने बेसी दिन सहिबे नाही बोली कही परिवर्तन रो देले आह्वान। ओडिशा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, ओडिशा की अस्मिता संकट में है, उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। ओडिशा अमाप प्राकृतिक संपदर वैभव, यार सदुपयोग ओडिशा को एक नंबर कर पारिथांता। ओडिशार दुर्गति पई प्रधानमंत्री निशाना रे बीजेडी, नवीन पटनायक 25 वर्ष शासन स्थाणु अपारग उत्तरदायी नुहे बोली देले स्पष्ट बार्ता। मोदी ओडिशा रे प्रबल जनप्रिय, ओडिशार मैदान को ओल्हाई करदेवे कि उल्टपाल्ट। मोदी पूर्व केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आर पार लड़े कथा कहते इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। मेरे ओड़िया भाइयों बहनों, ओड़िया भाषा और साहित्य के गौरव से भी दूर रखने का काम यहाँ की सरकार ने किया। यहाँ नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दीर्घ दिन ओडिया अस्मिता स्वाभिमान विकास प्रसंगे बीजेडी सरकार को फेरी आसुचार अस्मिता निहार घी ढाई बीजेडी दुई नंबर स्टार प्रचारक पांड्यान दल रे आधिपत्य। नरेंद्र मोदी अमित शाह धर्मेन्द्र प्रधान विप्लव देव का कड़ा आभिमुख्य सेट कर लड़ेर मुड तो ओडिशा के सामान्य मानवी के एस्पिरेशन है जी। और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा के देंगे। ये नवीन बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बाहरी लोगों को परिश्रय दिया जा रहा है, ये हमारे लिए चिंताजनक है, चिंताजनक है। और इसका जवाब आपको कमल पर बटन दबा करके देना है, ये भी आपको याद रखना है। 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी को 38% और बीजेडी को 42% भोट मिली, किंतु एथर ओडिशा रे बीजेपी एक नंबर हेबो बोली निर्वाचन विशेषज्ञ मत। विधानसभा निर्वाचन रे 2014 तुलन रे 2019 रे द्विगुणित होई बीजेपी रा भोट। गतथर ओडिशावासी करथिले दुई प्रकार मतदान, नवीन का 21 रु 21 लोकसभा आसन को ओडिशावासी प्रत्याख्यान करथिले। एथर मोदी अमित शाह जेपी नड्डा बीजेपी रा तुंग नेतृत्व आक्रमणात्मक आभिमुख्य परे बीजेपी मुहां हेबे कि ओडिशा भोट। मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरार पूर्वतन मुख्यमंत्री विप्लव देव ओडिशा सरकार को टारगेट करथिले। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं, वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है, यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। कि उड़ीसा में एक भी व्यक्ति नहीं है सरकार चलाने के लिए, पांड्यान आके सरकार चलाएगा उड़ीसा में? पांड्यान चला सकता है क्या? ये कौन है पांड्यान कि उड़ीसा में कोई समय जन्म व्यक्ति नहीं है? प्रधानमंत्री का बयान को स्वागत करछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कहछंती पीएम मोदी उड़ीसा रे चारि पर्याय निर्वाचन पई एजेंडा सेट करछंती। एथर ओडिशा रे निश्चय सरकार गढ़ भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा रे 21 रु 21 आसन जितिबो बीजेपी।
गोटे टीवी इंटरव्यू रे ओडिशा रो एजेंडा सेट करले व्यक्तिगत भावे बहुत कृतज्ञ माननीय प्रधानमंत्री पाखे से ओडिशा संपर्क रे गोटे दृष्टि तैयारी करले जहाद्वारा कि आम ओडिशा रो लोकों मन भितर जो मोदी जी प्रति श्रद्धा अछि विश्वास अछि सेटा एथरो वोट रे परिणत होवार पूरा लक्षण देखा जाउछि। ओडिया गोटे भावप्रवण जाति ओडिशा भौतिक दृष्टि पछुआ हेले भी बौद्धिक दृष्टि ढेर आगुआ। स्वाधीनता पूर्वरु ओडिया जाति लड़ीला अस्मितार लड़े 1936 रे प्रथम भाषा भित्तिक राज्य होता ओडिशा। भाषा हेउची ओडियांक भावप्रवणतार केन्द्रबिंदु ओडियांक बदलरे बाहारियांक नेतृत्व ओडियांक भावावेगकु करिछि कि आहत शांत सरल दृढ़मना ओडिया जाति निजर मत माध्यमरे आहत भावनार देबे कि कड़ा जवाब। भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।